हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और डेफिनेटली आपने डीजे ज़रूर सुना होगा जो शादियों में बजता है वो वाला। लेकिन अब शायद आपको डीजो सुनना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डीजो मंगा लिया है। ये एक नेक बैंड है, रियलमी की तरफ से आता है। रियलमी टेक लाइफ एक करके प्रोग्राम लॉन्च किया है रियलमी ने, उसके अंतर्गत इन्होंने डीजे करके एक सब ब्रांड लॉन्च करी है। रियलमी खुद एक सब ब्रांड है लेकिन उसने अपनी भी एक सब ब्रांड लॉन्च कर दी है और सब ब्रांड का नाम भी काफी कमाल का है, डीजो। तो इन्हीं का एक ब्लूटूथ नेक बैंड मेरे पास आया है, मैंने परचेस किया है 1500 रुपये का अराउंड। थोड़ा अनबॉक्स तो कर लेते हैं इसे पहले। तो पहले हम कहते थे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, अब बोलेंगे डीजो वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। तो ये है वो प्रोडक्ट, डीजो का वायरलेस ब्लूटूथ नेक बैंड। और यहाँ पे क्लियरली नीचे मेंशनड है रियलमी टेक लाइफ। वैसे आज के टाइम पे पर्सनली यूज करता हूँ मैं वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी, 2000 रुपये के अराउंड मैंने ऑर्डर किया था इसे। तो इससे भी थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेंगे, देख लेंगे भाई डीजो किस तरह से बज रहा है और कैसी है इसकी क्वालिटी। अगर हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो पीछे यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन करे हुए हैं। 11.2 mm लार्ज बेस बूस्ट ड्राइवर आपको मिल जाता है, 17 आवर्स का प्लेबैक इन्होंने बोला हुआ है, ये सब टेस्ट कर लेंगे। मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन, मैग्नेटिक कनेक्शन मिल जाता है। 88 मिलीसेकंड लो लेटेंसी मोड भी इसमें मिल जाता है गेमिंग के लिए खास करके। और 10 मिनट चार्ज करेंगे तो 120 मिनट प्लेबैक इस प्राइस पे हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही है, जो कि मतलब अच्छी लगी मुझे। अब इसको भी खोल लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट हमारा मेन अंदर ही है। जो वाले बाबू भाई कैसे खुलेगा तू पकड़। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी इसकी। ऐसे पकड़ के इसको आप ऐसे ना अनबॉक्स कर पाएंगे। ओके, बॉक्स में कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं, ये चीज़ अच्छी लगी। यहाँ पे टाइप सी केबल मिल जाती है, यानी कि टाइप सी चार्जर से चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 पेयर एक्स्ट्रा एयरबड्स मिल जाती हैं आपके कान के साइज के हिसाब से। और ये है यूजर मैनुअल, कुंजी कह सकते हैं आप इसे। इसे पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे फंक्शंस वर्क करते हैं इसमें। वैसे काफी सारे फंक्शंस तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा इस वाली वीडियो में, और काफी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत सारा कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट मिस कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, शेयर करने लायक लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजो के ये नेक बैंड है, नेक बैंड ब्लूटूथ नेक बैंड है। हल्का सा ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ। जो वन प्लस के बुलेट्स वायरलेस जी मैं यूज कर रहा था उससे थोड़ा सा ज्यादा लंबा है इसका वायर, मतलब उससे थोड़ा सा लंबा है। लेकिन जो ये नेक बैंड है इसकी क्वालिटी मुझे वन प्लस की थोड़ा बेटर लग रही है, थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट लग रही है, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मुझे। और प्लास्टिक की क्वालिटी भी मुझे इसकी थोड़ी सी कमजोर लग रही है वन प्लस के आगे, अगर साइड बाई साइड कंपेयर करते हैं तो। बट हाँ, प्राइसिंग का भी डिफरेंस है तो डेफिनेटली फर्क तो रहेगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, वैसे ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, शुगर हो जाता है। बट बड्स आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मिल जाते हैं जो कि मतलब सही है। और ये बड्स की क्वालिटी मेरे को अभी तक देख के मतलब काफी सही लग रही है। और ये जो वायर इसमें दी गई है इसमें भी थोड़ा सा पैटर्न देखने को मिल जाता है, टेक्सचर देखने को मिल जाता है। और ये आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा रियलमी लिंक एप्लीकेशन को यूज करके, तो वो सब चीजें मैं करने वाला हूँ। और साथ में वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी के साथ मैं इसे कंपेयर भी करने वाला हूँ। सब कुछ करके आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द। मतलब जो गैप होगा आपको बस 1 सेकंड रुकना पड़ेगा और मेरे लिए 1 या 2 दिन हो सकते हैं। आपके पलक झपकाते ही मैं वापस आता हूँ। तो इंतजार करने के लिए शुक्रिया। मुझे इसे यूज करते हुए अब पूरे 4 दिन हो गए हैं, तो 4 दिन का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले पेयरिंग की बात करते हैं, तो पेयर करना बहुत ही आसान है। मैग्नेट्स को आप अलग करेंगे और आपके फोन के ब्लूटूथ मेन्यू में इजीली दिख जाएंगे डीजो वायरलेस, और आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको किसी दूसरे फोन से इसे कनेक्ट करना है तो बहुत ही आसान है वो भी। यहाँ पे जो सेंटर वाली बटन है इसे आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है तकरीबन 5 सेकंड के लिए, उसके बाद ये पेयरिंग मोड में चले जाते हैं और दूसरे वाले फोन में भी ब्लूटूथ मेन्यू में दिख जाएंगे और इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी कॉल क्वालिटी की बात करते हैं तो वो मुझे काफी अच्छी लगी। जो माइक की क्वालिटी है काफी अच्छी रहती है। अब माइक भी यहाँ पे रहता है गले के पास, तो साउंड काफी अच्छे से जाता है, कोई भी एयर नहीं जाती। और मैंने इसे कंपेयर भी किया था वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी के साथ, तो यहाँ पे मैं आपको कॉल क्वालिटी कंपेरिजन सुना देता हूँ। और दोस्तों अब जो कॉल कर रहा हूँ ये डीजो की तरफ से कर रहा हूँ, तो डीजो की जो कॉल क्वालिटी है उसका आइडिया आप लगा सकते हैं। सेम जगह पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे फैन फुल स्पीड पे चल रहा है, तो किस तरह की वॉइस क्वालिटी आपको मिलेगी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। और दोस्तों जो साउंड आप अभी सुन रहे हैं ये वन प्लस बुलेट वायरलेस जी की तरफ से सुन रहे हैं, तो यहाँ पे सेम कंडीशन है, सेम जगह से मैं कॉल कर रहा हूँ, इसकी साउंड क्वालिटी कॉल क्वालिटी आप सुन सकते हैं। तो कॉल क्वालिटी में कोई भी शिकायत नहीं लगी, अच्छी है इसकी। अब सबसे मुख्य बात करते हैं जो कि है संगीत की गुणवत्ता। जी हाँ, म्यूजिक क्वालिटी कैसी है इस वाले स्मार्टफोन की। तो ओवरऑल
बेस काफी अच्छा है, 11.2 mm का हैवी बेस ड्राइवर दिया गया है, मतलब काफी हैवी ड्राइवर है ये। अगर आप बेस पसंद करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन मुझे थोड़ा सा वीक लगा इसका, और ट्रेबल थोड़ा सा कमजोर लगा मुझे इसका। अब जैसे वन प्लस से मैंने कंपेयर किया था तो उसमें क्या है, बेस थोड़ा कम है लेकिन इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन थोड़ा बेटर है उसका, और वोकल्स थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी आते हैं उसमें। लेकिन अगर प्राइस को कंसिडर करते हैं तो इसकी म्यूजिक क्वालिटी काफी बढ़िया है। अब अगर कोडेक सपोर्ट की बात करते हैं तो SBC कोडेक को सपोर्ट करता है, AAC कोडेक को सपोर्ट नहीं कर रहा, जिस फोन से मैंने कनेक्ट किया था, जबकि वन प्लस उसी फोन से कनेक्टेड था वो AAC कोडेक को सपोर्ट कर रहा था। बाकी एक और अच्छी बात लगी इसमें कि ये रियलमी लिंक ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं और वहां पे आप इसकी बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, साथ ही म्यूजिक क्वालिटी थोड़ा सा आप ट्वीक कर सकते हैं, वहां पे कुछ प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं, साथ में जो बटन्स के फंक्शन है उन्हें भी आप रीसेट कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी इसके अंदर जो कनेक्शन और डिसकनेक्शन वाला साउंड आता है वो काफी बढ़िया आता है, मतलब अच्छा लगता है सुनने में। अब सबसे खास बात यहाँ पे गेमर्स के लिए, मैंने इसको यूज करके BGMI गेम प्ले करा और इसके अंदर लो लेटेंसी मोड दिया गया है खासकर गेमिंग के लिए, तो एक्चुअली में ये काफी अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि बिना इस मोड के अगर हम गेम प्ले करते हैं तो लेटेंसी हमें इजिली नोटिस हो जाती है, मतलब गन फायर करते हैं भागते भागते हैं तो इजिली नोटिस हो जाती है। इसको इनेबल करने के लिए मिडिल वाली बटन पे आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद गेम मोड ऑन हो जाएगा, उसके बाद लेटेंसी काफी कम आपको देखने को मिलेगी और एक्चुअली में ये आपको फील हो जाएगी। अब अगर बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो जिस दिन इसे मैंने अनबॉक्स किया था 80% बैटरी थी इसमें, और आज 4 दिन हो चुके हैं और 40% बैटरी अभी भी है। हालांकि मैं बहुत लंबे टाइम के लिए इसे यूज नहीं करता, एक टाइम पे मोस्टली मैं कॉल्स लेने के लिए इसे यूज़ करता हूँ और साथ में कुछ म्यूजिक देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए यूज़ करा था, तो मॉडरेट यूज़र हूँ, बहुत हैवी यूज़र नहीं हूँ मैं, हैवी ड्राइवर नहीं हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से बैटरी बैकअप इसका काफ़ी बढ़िया है, एटलीस्ट जितना मैंने अभी तक टेस्ट किया है बैटरी बैकअप अच्छा है। लेकिन अभी तक मैंने इसे चार्ज नहीं किया क्योंकि अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ ये, तो चार्जिंग के जो भी स्टैट्स रहेंगे वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, मतलब जब मैं टेस्ट कर लूंगा उसके बाद। और ये उसका मैग्नेट है, ये भी काफी स्ट्रांग है, मतलब काफी स्ट्रांग है। और अगर वेट की बात करते हैं तो वन प्लस से कम वेट है इसका, 3-4 ग्राम कम है। बाकी अब अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि क्या डीजे वाले बाबू का गाना बजेगा या नहीं, तो जी हाँ, 1500 रुपए में जो मुझे ये मिला है ओवरऑल काफी बढ़िया, काफी वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे। कॉल क्वालिटी काफी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, कनेक्शन प्रोसेस अच्छा है, रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है तो ये भी अच्छी बात है, और गेम मोड अच्छा काम कर रहा है तो ये भी अच्छी बात है, और ओवरऑल फंक्शन अच्छे लगे इसके, तो 1500 रुपए के हिसाब से ये नेकबैंड मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। तो गाइस आज के दिन फिलहाल यही था, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस टाइप की वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी, और लाइक अगर आपने नहीं किया अभी तक तो लाइक भी कर दीजिए। बाकी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।